पिछले दिनों में एक कॉमेडी आई थी कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें एक सहारनपुर की यूपी की एक अम्मा जी पहुंच गई, उन्होंने बच्चन साहब की वाट लगा दी थी। तो आइए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। और आज हमारे साथ हॉट सीट पर मौजूद है यूपी की कंटेस्टेंट आपा सकुरी। जोरदार तालियां। हाय तो अम्मा जी, हॉट सीट पर बैठ के आपको कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा, गरम गरम सा। बड़ा यूनिक जवाब दिया आपने। अम्मा जी क्या बताएंगे आपकी एजुकेशन कितनी है? वो क्या हो, मेरा मतलब आप पढ़े लिखे कितनी है? LLDF। दांत क्यों फाड़ रहा, पूछ ले क्या पूछे। मुझे इतना बताइए LLDF की फुल फॉर्म क्या होती है? लटक लटक के दूसरी फेल, अब फाड़दान। आप असकुरी क्या बताएंगे कि आप यूपी में किस जगह से आई हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है? और 5 करोड़ इतने बड़ी रकम का आप करेंगे क्या? मैं यूपी में सहारनपुर से आई। मेरे दो तो लौंडे, एक लौंडी, दोनों लौंडों की तो शादी कर दी। लौंडी की शादी जब करूंगी, जब कुछ जीत के ले जाऊंगी यहाँ से। हर मारा मरद मर गया था, सुलपे की सिगरेट अपिया था मारा। आप असकुरी क्या बताएंगी कि 5 करोड़ का जीतने के बाद आप क्या करेंगी? मैं सोच रही इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं, क्योंकि सरकार तो कुछ करती नहीं, देखी नहीं सड़कें। हाँ, सड़कों में काफी गड्ढे हैं। अरे सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें भाई, छोटी छोटी। आप असकुरी क्या बताएंगी आपका बिजनेस किस चीज का है? मारा खाई बाड़ी। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वही सट्टा, 1 रुपए के 100 मिले। अम्मा जरा धीरे बोलिए, यहाँ पर पुलिस है। तो हने देर में इन्हें पैसा नहीं जाता। बता अम्मा जी, हम गेम की तरफ पढ़ते हैं, तो आप तैयार हैं? था मारो इतनी दूर से ही चाय मंगा लेता। अम्मा ये चाय तो आज तक किसी ने नहीं मंगाई, लेकिन मैं फिर भी 2-1 पाप पे बोल दिया भाई। लीजिए अम्मा जी आपके लिए चाय, तो आप गेम के लिए तैयार हैं? था मारो तेरे पे पीड़ी पड़ी। बड़ी बेकार बात है अम्मा जी, आप एक औरत होकर और बीड़ी पीती है। हाँ? और तुझे मर्द होगा शराब भी? वो तो मेरी फिल्मों के नाम है मर्द और शराबी। शराब भी मैं थोड़ी पी, तूने पूरी फिल्म में दूध रहा था भाई। वो तो अम्मा जी जो डायरेक्टर कहता है करना पड़ता है। अच्छा अगर डायरेक्टर कहे कुएं में कूद जाए तो कूद जाएगा भाई। बताता तो अम्मा जी, हम गेम की तरफ पढ़ते, तो आप तैयार हैं? हाँ ठीक है, आसान सा पूछिए भाई। तो अम्मा जी ये रहा आपका पहला सवाल। आपको बताना है हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत व्यक्ति कौन है। और आपके ऑप्शन ये रहे, ए सदाशिव अमरपुरकर, बी जॉनी लीवर, सी रमेश राजा, या डी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, वो बड़ी हैंडसम है। अरे अम्मा जी, हैंडसम शब्द तो मर्दों के लिए होता है, औरतों के लिए तो ब्यूटीफुल होता है। हाँ? अरे मर्द भी तो औरतों के लिए ही हो। तो मैं ताला लगाऊं? ताला लगा के कहाँ जा रहा तू? मेरा मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, तो प्लीज कंप्यूटर जी ऐश्वर्या राय पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके 1000 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन अम्मा जी। अच्छा जीत गई, मुबारक हो तुझे, बिला निकाल 1000। अम्मा जब दूसरा सवाल आएगा उसमें आपको 10,000 का चेक मिल जाएगा। बाद में रोने ना पीए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरा मतलब धोखाधड़ी ना करिए। नहीं अम्मा जी, इंडस्ट्रीज में मेरे नाम का सिक्का चलता है। अच्छा, मैंने तो देखा नहीं कभी। तो अम्मा जी आप दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं? वो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन थारी बच्चन फैमिली का जवाब नहीं। थारी दोनों मियां बीबी की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी, हर शाहरुख खान क्या बेचिए थारे आगे। थारी बहू ऐश्वर्या, थारी घर वाली जय बादड़ी, जवाब नहीं थारी फैमिली के। ये तो अम्मा जी भगवान की कृपा है अम्मा जी। ये हाय हाय क्या करो जा, तुझे गुद्दा मासा। तो अम्मा जी आप दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं? हाँ ठीक है। तो अम्मा जी ये रहा आपका दूसरा सवाल। आपको बताना है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है। और आपके ऑप्शन ये रहे, ए मनमोहन सिंह, बी संजय गर्ग, सी रागव लखन पाल, या डी दाऊद इब्राहिम। मैं थोड़ी कंफ्यूज सी हो रही। तो मैम जी आप लाइफ लाइन यूज कर सकती हैं।
अच्छा तो फोन पे भी बात हो सके। हम आज आप फोन पे बात कर सकते हैं। अच्छा तो सहारनपुर कल्लू को लगा दे फोन। माँ कल्लू। हाँ ये नंबर लिख ले 420-840। नमस्कार कल्लू जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ। बस वे पी ली क्या? बोल रहा अमिताभ किसी और का बनाइए सुबह ही सुबह। कल्लू जी आपकी कोई अम्मा जी है और 1000 रुपए जीत गई हैं। दूसरे सवाल में थोड़ा बह गई हैं तो अगली आवाज अम्मा जी की होगी। अरे कल्लू। अम्मा सलाम अलेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे करोड़पति मैं भी, हर 1000 जीत गई तेरी दावत करूंगी। तुझे पता का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? अम्मा ये वाकई में अमिताभ बच्चन है क्या? हाँ वही तो। जरा बात करेंगे उससे। अजय थारे से बात करे। हाँ कल्लू जी मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ। अजी सर तुम्हारा तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। तुम्हारी सारी फिल्में देखी और मुगले आजम में तो कमाल करा दूंगा। अरे भैया हम तो मुगले आजम में थे ही नहीं आए। अच्छा जी फिर अकबर बादशाह के पीछे पंखे कौन झूल रहा था? हेलो हेलो। हाँ पैसा खत्म हो गया कैसे? अम्मा जी आप इसका सही जवाब बताइए। एक मिनट कान में को बात सुनिए। ऐसा नहीं होगा अम्मा जी। हाँ देख ले तो ही बता दे, आध्या आध्या कर लेंगे। अम्मा जी आप इसका सही जवाब बताइए। दाऊद इब्राहिम। तो कॉन्फिडेंट? वो क्या हो? मेरा मतलब पक्का। एक बार मैं कमिटमेंट कर लूँ ना, अपने आप की नहीं सुनती। और अम्मा जी दूसरी बार? दूसरी बार कमिटमेंट कर लूँ किसी के बाप की नहीं सुनती। और अम्मा जी तीसरी बार? तीसरी बार कमिटमेंट कर लूँ अरे फिर कोई मेरी नहीं सुनता। तो अम्मा जी मैं दाऊद इब्राहिम को लॉक करूँ? क्या कह रहा लॉक करो? आज तक कोई पता तो लगा नहीं पाया वो है कहाँ। और हल्के बोले तेरी लॉक कर देगा आवाज। मेरा मतलब मैं ताला लगाऊं? ताला लगा के जावे कहाँ तू बार बार। पर अम्मा जी मैं कह रहा हूँ आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है तो प्लीज कंप्यूटर जी डी दाऊद इब्राहिम को लॉक किया जाए। कहाँ तो अम्मा जी तारीफ कर रही थी जब जीतने पर, अब जब हार जाती है तो सारा चेंज कर देती है। बिल्कुल गलत जवाब, आप हार चुके अम्मा जी। हार गई क्या? वैसे ही हार गई। मेरे पैसे काट, तू क्या करोड़पति बनावेगा? तू खुद रोड़पति अमर सिंह के चमचे। हर मेरी जबान न खुलवाई, सारी जानू तेरी फैमिली के बारे में। एक पैसे की जोड़ी नहीं थारे में अभी भी की। चलते वैसे लगे गुल्ली डंडा जा रहा हो। कहाँ जा रहा है वो तेरी घर वाली जया बादड़ी? संसद से धक्के दे दिए तो उसे। मेरी जबान न खुलवाई, ये सारी जानू तेरे बारे में। वो तेरी बहू ऐश्वर्या, वो सलमान खान से फंसवी थी डंडो। कहाँ जा रहा वो तेरा लौंडा भी से? फिल्मों में भी फ्लॉप हुआ, शादी करके भी फ्लॉप हुआ। 3 साल हो गए एक लौंडी पैदा करी। अरे अम्मा जी एक लड़के कर तो दे। मारे यहाँ से मेरा लौंडा भूरा 3 साल में 6 बच्चे पैदा करे उसने। मतलब है कहाँ जा रहा? रुक लंबू रुक भुट्टे। अरे भुट्टा होगा तेरा बाप। अम्मा सलाम अलैकुम। कितने जीत गई? अरे कहाँ जीत गई, इन्हें तो लौंडी पी भागा लंबू। अम्मा तुम्हारा तो नुकसान होगा। नुकसान का वैसे ही होगा, सहारनपुर की मैं यूपी की वारे के दोनों कंप्यूटर ठाक ले जा रही थी। तो अम्मा जी कंप्यूटर लेकर भाग गए। दोस्तों अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले रात ही रात ऐलान किया 8 बजे। भाई और बहनों मित्रों, कल से 1500 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भाई बहुत गलत करा, कम से कम कुछ टाइम देना चाहिए था, 10 दिन 15 दिन 1 महीने का। सोचो दोस्तों अगर मोदी जी इसके अलावा कुछ और ऐलान करते सब लोग खुश हो जाते। मोदी जी अगर ऐलान करते, भाई और बहनों मित्रों, जनवरी की 1 तारीख से पुरानी लुगाइयां बदली जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।